हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है iQOO Z7 Pro, जो कि iQOO का लेटेस्ट डिवाइस है। बहुत ही खूबसूरत कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, इवन बैक में आपको ग्लास बैक दिया गया है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस फोन के 40 बेस्ट फीचर्स के बारे में। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन कौन से फीचर सबसे ज्यादा अच्छे लगे। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस फोन में जो बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर अगर आप जाएंगे तो वॉलपेपर के अंदर आपको काइनेटिक वॉलपेपर्स का ऑप्शन दिया गया है। ये बेसिकली आपके स्टेप्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, एनिमेट होते रहते हैं। यहां पर आप अपना डेली स्टेप को सेटअप कर सकते हैं और जैसे ही आपके स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं हर रोज के, ये फ्लावर जो है इस तरीके से पूरा ब्लूम कर जाता है। यहां पर ही आपको AOD का ऑप्शन भी दिया गया है। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड है लेकिन इसको आप यहां से इनेबल कर पाएंगे और बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहां पर AOD के लिए दिए गए हैं। कुछ डिजिटल या एनालॉग क्लॉक के भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं, या फिर अगर आप कोई पर्सनल स्टाइल अपना चूज करना चाहते हैं, अपना क्रिएट करना चाहते हैं, वो सब भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया AOD जो मुझे लगता है वो है सेंसरी क्लॉक का। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि अगेन एनिमेटेड व्यू में आपको AOD दिखे, टाइम के हिसाब से ये जो है वो चेंज होता रहता है। दिन के टाइम पे आपको सूरज दिखेगा ब्राइट, शाम के टाइम जो कि अभी है सूरज ढलता हुआ आपको दिख रहा है, रात को आपको चांद या स्टार्स वगैरह दिखेंगे और सुबह आपको राइजिंग सन भी दिखेगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे AODs डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पर डाउनलोड्स में जाते हैं और डाउनलोड मोर में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट AODs मिल जाएंगे। हालांकि इनमें से बहुत सारे मैंने देखा कि फ्री नहीं है, लेकिन अगर आप कोई परचेस करना चाहते हैं तो ये बहुत महंगे नहीं है, तो आप यहाँ से अपने मनपसंद AODs भी ढूंढ सकते हैं। और ये फोन तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें जो एज लाइटिंग वाला फीचर है वो भी काफी अच्छा लगता है। सेटिंग्स में डायनेमिक इफेक्ट्स के अंदर, एम्बिएंट लाइट इफेक्ट्स के अंदर आपको ये फीचर मिलेगा। यहाँ पर आप इनकमिंग कॉल्स या नोटिफिकेशंस दोनों के लिए इस फीचर को यूज कर सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट लाइट इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि अगर आप कर्व डिस्प्ले पे देखेंगे तो काफी सुंदर लगेंगे। अगर आपका फोन उल्टा पड़ा है तो भी एनिमेशंस काफी अच्छे लगते हैं। वैसे इस फोन के लिए खास एक और इफेक्ट यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि है म्यूजिक लाइट इफेक्ट का। इसको भी आप एज लाइटिंग की तरह यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो भी म्यूजिक आप प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एक इफेक्ट या एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा, अगेन कर्व डिस्प्ले के ऊपर, जो कि काफी सुंदर दिखता है। यहाँ पर वैसे और भी काफी सारे डायनेमिक इफेक्ट्स या एनिमेशंस हैं, जैसे कि टच स्क्रीन एनिमेशन आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप फोन के ऊपर टच करें तो इस तरीके का एनिमेशन आपको दिखता रहे, उसको आप यहां से सेलेक्ट करके थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको होम स्क्रीन से रिलेटेड भी कुछ ट्रांजिशंस मिल जाती हैं। होम स्क्रीन ट्रांजिशन कितना तेजी से काम करता है उसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जब भी आप फोन को अनलॉक करते हैं तो किस तरीके का एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलता है वो भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस अनलॉक अगर आप यूज कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत सारे एनिमेशंस या कस्टमाइज यहां पर है। कैसा आपको लोगो देखना है, फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट सेंसर, दोनों का वो चीज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए भी एनिमेशन जो मिलता है उसको भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया गया है, और इवन जब आप USB इंसर्ट करते हैं तब भी एक छोटा सा एनिमेशन आपको मिलता है, उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और एक और बढ़िया एनिमेशन जो आप यूज कर सकते हैं, स्क्रीन ऑन ऑफ जब होता है तब क्या एनिमेशन आता है। बाय डिफॉल्ट कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको और स्मूथ बनाना चाहते हैं तो इनमें से कोई एनिमेशन यहाँ से चूज कर सकते हैं। इस फोन में एक चीज जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, अगर आप डायलर देखेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल का डायलर नहीं दिया गया। वीवो का अपना डायलर है, फंटच ओएस का अपना डायलर है, जिसमें आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इसमें कोई अनाउंसमेंट भी नहीं होता है। एक और नई और अच्छी चीज आपको इस फोन की बताता हूँ, इसमें आपको नया गैलरी ऐप दिया गया है जिसमें अब आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप सर्च कर सकते हैं आप इमेजेस को, जो कि AI की मदद से हेल्प करता है। ऐसे ही आप इमेज एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं वो सब चीजें भी आपको गैलरी के अंदर ही मिल जाती है। गैलरी का एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको हिडन फोटोज का ऑप्शन भी दिया गया है। आप बस इसको एक बार सेटअप कर लीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी फोटो या वीडियो को हाइड करके रख सकते हैं। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट भी मिल जाता है। कोई भी ऐप अगर आपने ओपन किया है तो रिसेंट्स में जाइए, यहाँ पर ऐप के नाम के ऊपर टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपको स्मॉल विंडो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें, और अगर आप चाहें तो इसको मिनिमाइज करके इस तरीके से एक आइकन में भी प्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों इस फोन में आपको थीम्ड आइकन्स का सपोर्ट भी दिया गया है, मतलब कि जो भी UI कलर आपने सेलेक्ट किया है वो आप आइकन्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं।
होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके अगर आप यूआई कलर में जाएंगे, यहां से आप यूआई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां से इस ऑप्शन को आप एनेबल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों, आपके सारे आइकन जो हैं इस तरीके के हो जाते हैं, काफी ज्यादा सुंदर एक्चुअली बन जाते हैं। अगर आप वॉलपेपर और कलर को मैच कर देंगे तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट आपके फोन में ले आएगा। वैसे आइकन्स को कस्टमाइज करने के लिए आप होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके होम सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। यहां पर आपको आइकन्स को और कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अगर आपको इसको राउंडेड की जगह रेक्टेंगुलर बनाना है तो वो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आइकन का साइज चेंज करना है वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आईकू के फोन में कुछ बहुत अच्छे विजेट्स भी आपको मिलते हैं जो कि किसी दूसरे फोन में आपको नहीं मिलते, जो कि मैंने यहाँ पर सेटअप भी किए हैं। अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके विजेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर स्टिकर्स के अंदर ये तीन विजेट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप किसी चीज का काउंटडाउन सेटअप करना चाहते हैं, आपके बर्थडे में 10 दिन बचे हैं तो उसका आप काउंटडाउन सेटअप कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज को लगातार काउंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने दिन में कितने बार पानी पिया इसको आप काउंट करना चाहते हैं, तो वो एक काउंटर आप अपने होम स्क्रीन के ऊपर सेटअप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई नोट्स देने हैं या फिर कोड लिख के अपनी होम स्क्रीन के ऊपर रखना है वो चीज भी आप यहां से कर सकते हैं। और बता दूं दोस्तों, इस फोन में आपको हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। सेटिंग्स में अगर आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये स्मार्ट स्विच के ऊपर सेलेक्टेड है, जो कि काफी स्मूथ है। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट 120 रहे तो उसको आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और बढ़िया चीज मुझे यहां पर दिखी दोस्तों, मोस्टली फोन्स में सारे एप्स 120 के ऊपर रन नहीं करते हैं। इस फोन में आपको यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस ऐप को आपको 120 के ऊपर रन करना है। अगर कोई ऐप सपोर्ट नहीं करता फिर भी आप उसके लिए इसको फोर्स कर सकते हैं और वो 120 हर्ट्ज के ऊपर प्ले होगा। और डिस्प्ले क्वालिटी को और एनहेंस करने के लिए यहां पर एक विजुअल एनहेंसमेंट का फीचर भी आपको दिया गया है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपके डिस्प्ले के कलर्स वगैरह एनहेंस हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए एनहेंस नहीं होंगे, सिर्फ जब आप ये ऐप्स को यूज करेंगे तभी वो काम करेगा। जैसे कि कोई वीडियोस आप प्ले करते हैं, वीडियोस के कलर्स को एनहेंस करना है तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप ऑडियो की क्वालिटी को भी इस फोन में एनहेंस कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन में नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको साउंड क्वालिटी एंड प्रोफाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप रेजोल्यूशन को एनहेंस कर सकते हैं, थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं लिसनिंग एक्सपीरियंस को, या फिर सुपर ऑडियो के अंदर आप कोई प्रीसेट भी चूज कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन जो मुझे बहुत यूजफुल लगता है वो है ऑडियो रीडायरेक्ट का। अगर आप चाहें तो किसी एक ऐप का साउंड किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर प्ले कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको म्यूजिक प्ले करना है स्पीकर्स के ऊपर लेकिन आप चाहते हैं कि बाकी सब जो साउंड है वो आपके फोन से ही प्ले हो, तो वो चीज आप यहां से सेटअप कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप एप्स के अंदर जाते हैं, इस फोन में आपको ऐप क्लोन का ऑप्शन भी दिया गया है। हालांकि सारी एप्लीकेशंस ये सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मोस्टली जिसमें आप यूज करना चाहेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया की एप्स या फिर बैंकिंग एप्स, वो सब में ये सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और सेटिंग्स में अगर आप सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको प्राइवेसी एंड ऐप एनक्रिप्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसको एक बार अगर आप सेटअप कर देंगे उसके बाद इसकी मदद से आप ऐप लॉक या ऐप हाइड जैसे फीचर्स यहां से यूज कर सकते हैं। यहां पर ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसको बस आपको यहां से एनेबल करना है। सेटिंग्स में अगर आप शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं, यहां पर आपको बहुत सारे मोशन एंड जेस्चर्स का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि अगर आप स्मार्ट मोशन में जाएंगे तो आपको स्मार्ट कूलिंग के फीचर्स दिए गए हैं। इन फीचर्स को एनेबल करके आप सिर्फ जेस्चर्स की मदद से कॉल को एनेबल या रिजेक्ट वगैरह कर सकते हैं। इवन कॉल अगर आपको कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली फोन को कान के पास ले जाइए, काफी सारे अच्छे जेस्चर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। एक और बढ़िया जेस्चर जो मुझे स्मार्ट मोशन के अंदर यहां पर दिखा वो है शेक टू टर्न ऑन फ्लैशलाइट का। आप इस फोन को इस तरीके से दो बार शेक करके फ्लैशलाइट को टर्न ऑन कर सकते हैं। और यहां पर एक और बढ़िया फीचर आपको फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स का दिया गया है। जनरली फेस ब्यूटी मोड आपको सिर्फ कैमरा में मिलता है, लेकिन इस फोन में अगर आप वीडियो कॉल्स भी करते हैं उसमें भी फेस ब्यूटी का मोड अप्लाई कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे, फेस के ऊपर कुछ इफेक्ट लगा के आप उसको थोड़ा सुंदर वगैरह बना पाएंगे। और हाँ, इस फोन में वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी आपको दिया गया है। सेटिंग्स में यहां पर ऊपर रैम के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है। बाय डिफॉल्ट 8GB रैम वाला मेरे पास वेरिएंट है और उसमें 8GB रैम को ही एक्सटेंड किया गया है। इसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं या तो इसको एनेबल रख सकते हैं। इस फोन में आपको डायरेक्ट वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब कि जब आपका वाईफाई ऑन है, अगर आप हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे तो आपका वाईफाई बंद नहीं होगा, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे डिवाइसेस के ऊपर। और यहां पर कंट्रोल सेंटर में आपको एक एस कैप्चर का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, मुझे काफी अच्छा लगता है।
इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपको कोई फनी स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आप किसी रैंडम एरिया को सिलेक्ट करके इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पर GIF या एनिमेशन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी है, और इवन स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट्स भी आप इसकी मदद से कैप्चर कर सकते हैं। और बता दूं दोस्तों कि अगर आप गेमिंग करना पसंद करते हैं तो बहुत ही अच्छा गेमिंग असिस्टेंट भी इस फोन में आपको मिल जाता है। पहले तो आपको अल्ट्रा गेम मोड दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इवन फ्रेम रेट प्रायोरिटी का फीचर है जो कि अभी के लिए BGMI में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। पिक्चर इन पिक्चर आप सेटअप कर सकते हैं, उसी के साथ जब भी आप कोई गेम प्ले भी कर रहे हैं यहाँ पर भी आपको एक साइड बार मिल जाता है जिसमें आप मॉन्स्टर मोड यूज कर सकते हैं, ई स्पोर्ट्स मोड यूज कर सकते हैं। एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है मोशन कंट्रोल का। आप मोशन सेंसर की मदद से बहुत सारे एक्शन सेटअप कर सकते हैं गेम के लिए, जैसे कि फोन को टिल्ट कर सकते हैं आप लेफ्ट या राइट, या फिर फोन को रेज कर सकते हैं लेफ्ट या राइट में, या तो आप फोन को हॉरिजॉन्टली पुश या पुल भी कर सकते हैं, और ये सब चीजों के लिए आप डिफरेंट एक्शन गेम्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बढ़िया गेमिंग का फीचर मुझे यहाँ पर 4D गेम वाइब्रेशन का लगता है, जिसका सपोर्ट आपको BGMI में भी मिल जाएगा। आप शूटिंग बटन्स अपने सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर हैं, और जब भी आप उन बटन्स को टैप करते हैं तो आपको एक वाइब्रेशन फील होता है और आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है गेमिंग का। चलिए दोस्तों कैमरा के भी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोन में आप पोर्ट्रेट वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो मोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर F वाले बटन को आपको प्रेस करना है और आपका बुके मोड एनेबल हो जाएगा। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि कितना ज्यादा बैकग्राउंड बुके आपको एनेबल करना है। अगर आप फोटोज के लिए पोर्ट्रेट मोड यूज करते हैं तो यहाँ पर एक स्टाइल्स का ऑप्शन भी आपको मिलता है, जिसकी मदद से आप बेहतर पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं पोर्ट्रेट फोटोज के लिए, तो इसको आप जरूर से एक बार यूज करके देखिएगा। ऐसे ही बहुत यूजफुल स्टाइल्स जो हैं वो आपको नाइट मोड में भी दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप स्टाइल प्रेस करेंगे तो ये जो है वो कलर्स के ऊपर ज्यादा अप्लाई होते हैं। जब आप रात के टाइम लाइट्स को कैप्चर करते हैं, ये उन लाइट्स के कलर्स को चेंज कर देता है और बहुत ही सुंदर इफेक्ट फोटो में ऐड कर देता है। मोर मोड्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डुअल व्यू वीडियो मोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों को एक साथ कैप्चर करना है, यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको इनको देखना है। और बता दूं कि इस फोन में आपको स्लो मोशन वीडियोस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। मैक्सिमम आप 720 पिक्सल्स में 240 fps तक का स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल HD कैप्चर करना है तो मैक्सिमम 120 fps का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में यही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन से फीचर सबसे ज्यादा अच्छे लगे। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।